नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल। मेरा यूट्यूब सेफ स्टॉक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं कल के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश करूंगा, तो वीडियो आप लोग अंत तक जरूर देखिए। इसमें मैंने निफ्टी का चार्ट एनालिसिस करूँगा, ऑप्शन चेन एनालिसिस करूँगा, फ्यूचर एनालिसिस करूँगा, बाई सेल लेवल्स को एनालिसिस करके मैंने थोड़ा आप लोगों को डायरेक्शन क्या हो सकता है और इम्पोर्टेंट लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है तो वो बताऊंगा। तो वो आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा कल के ट्रेड करने के लिए। और मैंने रात में बाई सेल लेवल्स का भी दिखाऊंगा, उसमें भी निफ्टी बैंक निफ्टी का बहुत सारा लेवल्स दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप लोग इसको जरूर देखिए और इसको पसंद होगा तो लाइक कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब करके रखिए। तो इसमें आप लोगों को सब्सक्राइब करके रखेंगे तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। मैंने जब तक जब 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 भी कोई नया वीडियो लोड करूँगा तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो इसमें आप लोगों को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। और मेरा और मैंने लाइव डेमो दिखाता हूँ हाउ टू मेक प्रॉफिट फ्रॉम इंटरडे यूजिंग गन ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी और बहुत सारा फिबोनाची ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, वोलेटिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को लिंक करके मैंने बाई सेल लेवल एक्सेल शीट से मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी पेयर ट्रेडिंग ऑप्शन का दिखाता हूँ। तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा, वो भी आप लोगों को बहुत ही हेल्प करेगा, सुविधा हो जाएगा आप लोग उसमें। आप लोग मैंने ट्रेनिंग का मॉड्यूल रखा है उसको सीखने के लिए, चार्ट का सेटअप सीखने के लिए। आप लोग का ट्रेनिंग मॉड्यूल यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन आप लोग जरूर देखिएगा, उसमें बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक है, बहुत सारा ट्रेनिंग मॉड्यूल भी है और भी बहुत सारा इंपॉर्टेंट वीडियो का लिंक्स है और कुछ फाइल डाउनलोड करने का बाइसेल एक्सेल शीट फाइल डाउनलोड करने का लिंक, मतलब सैम्पल फाइल नॉट अपडेटेड फाइल उसका लिंक मिल जाएगा। इसके बाद मेरा टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन होके आप लोग देख सकते हैं। और मेरा फेसबुक चैनल पेज पे आप लोग लाइक करके रखिए, फेसबुक पेज में मैंने रेगुलर ये सब जो दिखाता हूँ ये सब पोस्ट करता हूँ उसको, फेसबुक पेज को आप लोग लाइक करके रखेंगे तो उससे भी आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ये सब आप लोग को यूट्यूब वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ट्विटर में भी सकता है और फॉलो कर सकता है, इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर सकता है। ये सब आप लोग फॉलो करके रखेंगे तो आप लोगों को मेरा जितना जो भी वीडियो लोड होगा वो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और इसके अलावा चार्ट का सेटअप्स है, स्ट्रैटेजीज है, टेक्निक्स है, वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा। कोई भी स्ट्रैटेजीज टेक्निक्स आप लोग अपना करके बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देख सक मतलब हाई एक्यूरेसी के साथ प्रॉफिट कमा सकता है। और बहुत सारा स्ट्रैटेजीज है हाउ टू सिलेक्ट स्टॉक्स फॉर लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, आर्बिट्रेज, पेयर ट्रेडिंग, ऑप्शन चेन, बहुत सारा चीज़ है। और भी मैंने और गन मूविंग एवरेज स्ट्रेटेजी, पावर ऑफ गन एंगल्स और हाउ टू फाइंड मार्केट डायरेक्शन यूजिंग डायनेमिक गन लेवल्स, ये सब वीडियोस आप लोग जरूर देखिए तो आप लोग को बहुत ही सुविधा हो जाएगा। तो देखिए मैंने ये निफ्टी और बैंक निफ्टी का निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन किया हूँ, ठीक है। मैंने कैंडलस्टिक का पैटर्न पहले देख लेता हूँ एक बार, क्या कैंडलस्टिक पैटर्न ये बना है, सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न। तो सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न के अंदर ये थोड़ा सा इन्वर्टेड हैमर जैसा पैटर्न बना है, वीक ऊपर का अपर का वीक थोड़ा सा इधर दिख रहा है, लोअर का वीक छोटा है और अपर का वीक बड़ा है, ठीक है। अपर का वीक जो दिख रहा है ये बड़ा वीक है, इसमें देखिए हाई गया था 9277 में, उसके बाद 9175 में नीचे आ गया और मैं ये समाउ इट हैज़ मैनेज टू क्लोज 9199 बट इट हैज़ बिकम बियरिश, ये बियरिश इन्वर्टेड हैमर बना है। और इधर देखिए आप लोग इधर से लोअर हाई लोअर लोज बनाते आ रहा है, ठीक है। इधर का चैनल भी आप लोग देख सकता है, ठीक है। इसका जो अपर क्रॉस करेगा तो ये ऊपर जाएगा और इसका तो ब्रेकआउट ऑलरेडी हो चुका है, इसका जो चैनल है इसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। और ये जो ग्रीन चैनल है इसका जब ब्रेकआउट होगा और ये जो ट्रेंड का लाइन है ये जो ग्रीन वाला लाइन आप लोग देख रहा है, इस चार्ट का सेटअप भी आप लोग को सिखाया जाएगा। इसका नीचे जब एक बार क्लोजिंग आ जाएगा तो इसका मतलब लगभग 91 इसमें मैंने देखता हूँ कहाँ पर है, ये
इधर सोच लीजिए 9156 9150 के नीचे एक बार क्लोजिंग दिया, उसके बाद और एक कैंडल क्लोजिंग देके कंफर्म करेगा तो इसका नीचे का ट्रेंड चालू हो जाएगा, ये आप लोग पकड़ सकते हैं। तो इसमें अभी जो मल्टीपल कैंडल स्टिक बना है ये तो थोड़ा सा फ्लैग पैटर्न आप लोग देख सकते, मैंने दिखाया था इधर से जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करता था, मैंने इधर से हॉरिजॉन्टल ड्रॉ किया नहीं, इधर से मल्टीपल कैंडल स्टॉक ये जो फ्लैग पैटर्न ये ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है और इधर से कुछ शॉर्ट साइकिल चल रहा है वेव वन में ऊपर गया था, उसके बाद वेव टू नीचे आया था, उसके बाद वेव थ्री चला है, उसके बाद वेव फोर और ये वेव फाइव चला है। अभी इसका वेव एक का करेक्शन है, ये शॉर्ट साइकिल का है और 2008 से मैंने पकड़ा, तो मैंने मेरा पिछले वाला वीडियोस देखिए, मैंने बार बार बोलता हूँ जो 2008 से पाँचों वेव में ऊपर गया था 12430 तक, उसका ये वेव ये करेक्शन आया 7511 तक, इसका वेव बी चालू हुआ था, ये वेव सी चालू हुआ कि नहीं हुआ अभी तक कंफर्म नहीं है, लेकिन ये जो 9150 का नीचे जब क्लोजिंग देने के लगेगा तो इसका चालू हो जाएगा वेव सी का, मतलब ये नीचे जब 4919 जितना सा गिरा था उसमें उतना ही गिरने का पॉसिबिलिटी है। अच्छा, तो अभी इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस आप लोगों को बताता हूँ, ये आप लोग ध्यान से देखिए, ये आप लोग को नेक्स्ट डे में ट्रेडिंग करने के लिए या मॉनिटर करने के लिए बहुत ही सुविधा हो जाएगा। इसमें 9214 में इसका सॉरी ये क्या दिखा रहा है, एक बार चुक होता है 9214 और बड़ा तो नहीं हो रहा है, एक बार मैंने इसको रिमूव कर देता हूँ, ड्राइंग को रिमूव कर देने से थोड़ा सा दिखेगा वो क्लियर दिखेगा, ये तो अभी क्लियर नहीं दिख रहा है। तो इसका जो ये जो लाइन है, इसका जो लाइन है सोच लीजिए 9160 का इसका पिवट पॉइंट है, ठीक है 9160 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस है, ये लेवल क्रॉस करेगा तो 9323 तक जा 9320 या 9310 तक जा सकता है, ठीक है उसके बाद ये 9350 तक जा सकता है, वो लेवल क्रॉस करो 9350 तक उसका लेवल बनेगा, उसके बाद 9373 उसके बाद 9475 उसके बाद 9603 ये जा सकता है, और नीचे का जो लेवल दिखा रहा है 9142, ठीक है इधर जो ट्रेंड लाइन है वो भी लगभग उसके साथ ही मैच कर रहा है, 9142 इसका बहुत ही वाइटल सपोर्ट रेजिस्टेंस है सपोर्ट है, ये इसका ट्रेंड लाइन का ये जो नीचे जाएगा ये इसको आना ही पड़ेगा नीचे, ठीक है 9142 का नीचे इसका जब सपोर्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सपोर्ट है उसका नीचे आएगा तो इधर 9116 इधर आप लोग पूरा बुलिश हो सकता है, ऑप्शन भी सॉरी पूरा बेयरिश हो सकता है, आप लोग ऑप्शन में हेजिंग करके भी मतलब लॉन्ग टर्म के लिए और डिलीवरी बेसिस भी टेस्ट कर सकता है 9142 के नीचे आएगा तो, और इसमें और ऊपर का जो लेवल है 9400 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है, 9400 का जो लेवल है पर्टिकुलर 9475 उसका ऊपर आप लोग देख सकता है बुलिश हो सकता है, और इधर इसके बाद 9014 इसके बाद 8912 और इसके बाद 8380 या 8820 पकड़ सकता है या 8800 ही पकड़ लिए तो उधर ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है ये सब सपोर्ट है। और बैंक निफ्टी का मैंने देखता हूँ, बैंक निफ्टी का चार्ट इसको फिर से सब लगाना पड़ेगा, ये प्लेटफॉर्म बहुत ही अच्छा है लेकिन थोड़ा सा एडजस्ट करके लेना है, इसमें आप लोग खरीद भी सकता है 2-3 हज़ार देखे प्रीमियम भी देख सकता है, फी भी ले सकता है, मैंने फी वर्सन यूज़ कर रहा हूँ तो। अच्छा इधर देखिए ये दोजी कैंडल स्टिक पैटर्न बना है, एक छोटा सा दोजी कैंडल स्टिक स्पिनिंग टॉप या दोजी आप लोग कुछ भी बोल सकता है, दोजी या कैंडल बना जैसा कैंडल बना है, ठीक है बैंक निफ्टी का
चार्ट पे इधर 491 के ऊपर क्लोजिंग दिया, 480 में इसका पिवट पॉइंट था। इसका अपर वाला जो रेजिस्टेंस आएगा इसका 19726 के ऊपर इसका रेजिस्टेंस है 1926 में। उसके बाद इसका जो रेजिस्टेंस है 19930। आप लोग ये सब ध्यान से नोट कीजिए तो आप लोगों को ट्रेड करने से बहुत ही सुविधा होगा। और इसको लाइक करके रखिए, सब्सक्राइब करके रखिए, इसका नोटिफिकेशन आप लोग को रेगुलर बेसिस से मिल जाएगा तो आप लोग को ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो 19919 के ऊपर ये जा सकता है 20020 तक। उसके बाद ये जो दिखा रहा है 20343, ठीक है, उसके बाद 20343 या 346 पकड़िए, 346। उसके बाद इसका जो दिखा रहा है 20743, उसके बाद 20886, उसके बाद 21139 और 21542, ठीक है। और इधर नीचे का जो रजिस्ट सपोर्ट है इसका 480, ठीक है। इसका भी एक देखिए, इसका भी मैंने बोल देता हूँ, इसका भी ये चैनल का नीचे नहीं आया था, मैंने इसका भी ड्रॉ कर लेता हूँ, एक बार देख लेता है आप लोग के सामने ड्रॉ कर लेता हूँ। ये तो इधर चला गया, और इधर से ऊपर से जो नीचे आया था इसका भी एक बार ड्रॉ कर लेते हैं। ड्रॉ करने से क्या होगा देखते हैं फिर एक बार। और इसका जो देखिए इधर भी इसका भी इसका चैनल ब्रेकआउट हो चुका है। और इसका आप लोग को बोल देता हूँ, इसका जो 19247 में 19285 पकड़िए, 285 के नीचे एक बार इसमें क्लोजिंग देगा, उसके बाद फिर से इसका मतलब और एक कंफर्मिंग कैंडल बन जाएगा। मतलब सोच लीजिए 20250, उसके बाद 20200 या 20200 के नीचे जब क्लोजिंग देने लगेगा तो इसका मतलब नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी, मतलब नीचे ट्रेंड चालू होने का प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, ठीक है। और इधर इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी हाई प्रोबेबिलिटी बन जाएगा, तो हाँ। और इसका 154 में इसका सपोर्ट मिलेगा, 480 में तो एक सपोर्ट है, ठीक है। उसके बाद 154, ठीक है, 154 इसके बाद मतलब वही 154 के नीचे जब क्लोजिंग देने लगेगा ये इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी बहुत ही बढ़ जाएगा। उसके बाद 19019, उसके बाद 19000, उसके बाद 18729, ठीक है, उसके बाद 18279, उसके बाद 17908, इसके बाद ऐसे करके इसका नीचे आने का प्रोबेबिलिटी बनता है। एनीवे उसके बाद मैंने निफ्टी का फ्यूचर्स का दिखाता हूँ, वो भी हम लोग ध्यान से नोट कर सकता है। ये चार्ट का जो सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखाता हूँ और जो बाइसेल लेवल्स को में वो सभी आप लोग एक साथ मतलब नज़दीक वाला जो जितना सारा मैंने मेरा लाइव डेमो देखी है और बहुत और भी पहले वाला वीडियोस देखिए जो नज़दीक वाला जो सोच लीजिए एक सेट ऑफ बाइसेल लेवल में कुछ 19720 बाई लिख रहा है, दूसरा बाइसेल लेवल में 19729 दिखा रहा है, तीसरे लेवल पे सोच लीजिए 19735 दिखा रहा है और तीसरे लेवल पे सोच लीजिए 19750 दिखा रहा है। तो जो नज़दीक वाला लेवल है जो कंपेरेबल है तो उसको आप लोग लेंगे और जो दूर का वाला है उसको छोड़ देंगे, ठीक है। तो इसीलिए और कोई भी एक भी आप लोग फॉलो कर सकता है।
एनीवे तो इसमें देखिए सपोर्ट रजिस्टर इसका जो इसका तो ट्रेंड नीचे, इसका भी ट्रेंड नीचे ही दिखा रहा है। इसका 9,100 का नीचे इसका क्लोजिंग देने देगा तो इसका भी ट्रेंड नीचे दिखाने लगेगा। उसके बाद इसका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल बनेगा 8,950 के आसपास। उसके बाद ये निफ्टी फ्यूचर्स का है 8,800 ऐसा कर ये नीचे आएगा। और ऊपर इसका जाने के लिए, ये ऊपर जाने के लिए इसका पहले 9,9286 को क्रॉस करना पड़ेगा। 9,286 के नीचे ऊपर जाना पड़ेगा। उसके बाद ये 9,342, इसके बाद 9,422, इसके बाद 9,461, उसके बाद 9,9530, उसके बाद ये बाई साइड में जा सकता है। इस चैनल का अंदर जब आ जाएगा तो ये बाई साइड में बन सकता है। ठीक है, अभी इस चैनल पे आए, इसका नीचे जब आएगा तो इसका मतलब 9,076 का नीचे, इसका नीचे का चैनल पे आ जाएगा तो इसका नीचे ट्रेंड आएगा। एनीवे उसके बाद आप लोग मेरा गन मूविंग एवरेज वाला स्ट्रेटजी भी फॉलो कर सकता है, वो भी बहुत ही बहुत अच्छा तरीका से काम करेगा। और बैंक निफ्टी का जो, हाँ बैंक निफ्टी का भी देखता हूँ, ये भी एक डोजी कैंडल बना है इधर, लेकिन बुलिश हुआ है। और इधर जो नीचे का जो लेवल्स है 19,232, 19,054, 19,018,876, इसके बाद ये नीचे का नीचे इसका सपोर्ट रहेगा 18,300 के आसपास। ठीक है, और ऊपर जाने के लिए इसको पहले तो इसका 19,840 के ऊपर जाना पड़ेगा। पहले तो इसका 19,660, उसके बाद 19,840। ठीक है, उसके बाद ये 20,033, उसके बाद 20,166, ऐसे करके ये ऊपर, इसके बाद ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है इसका। और मैंने ऑप्शन चेन को दिखता हूँ, ऑप्शन चेन में क्या बोल रहा है इसका 14 मई में इसका पीसीआर रेशियो कुछ 0.99 है। ठीक है, तो सही डाटा, इसका ये प्रॉब्लम होता है कि ये सही डाटा नहीं दिख रहा है। देखिए इधर 9,204 दिख रहा है, एक्चुअली 9,199 में क्लोजिंग दिया है। एनीवे फिर से एक बार रिफ्रेश कर लेता है। क्या उल्टा सीधा सब दिखा रहा है, इसका डाटा में कुछ प्रॉब्लम होता है बीच बीच में। एनीवे ये सब देखिए, ये सब लॉन्ग शॉर्ट बिल्डअप था, ये सब लॉन्ग बिल्डअप, बहुत सारा सब हैवजर्ड हो गया ऑप्शन चेन। मैंने सोचा के रखा था, ऑप्शन चेन का डाटा भी लेकर रखा है, इधर से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके रखा है। मैं टाइम हम लोग को प्रोबेबिलिटी दिखा देता हूँ, लेकिन ये सब भटक गया है। इधर देखिए 9,119 ने क्लोजिंग दिया है, इधर 34.7 कॉल इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, पुट इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, सॉरी इधर 7 दिन नहीं किया, बैंक निफ्टी का शायद डाटा उठाया नहीं है। ठीक है, देखते हैं इधर सा। और इसका ये देखिए, इधर नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी 9,500 में इसका पकड़ूंगा तो इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी रहेगा। और इधर 9,400 करूँगा तो 9,400 करूँगा तो इसका प्रोबेबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाता है। मतलब ये इसका मतलब ये हुआ कि ये साइडवेज मूवमेंट दिखाने का मतलब 9,400 का ऊपर, 9,400 का ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी कम है, 500 के आसपास जाने का प्रोबेबिलिटी कम है, लेकिन 9,400 के आसपास जा सकता है। नीचे भी 9,000 नीचे का प्रोबेबिलिटी अभी जाता है, 9,000 का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। मैंने बैंक निफ्टी बाद में दिखाता हूँ, थोड़ा सा अपडेट करने दीजिए, इसका मैंने भूल गया है अपडेट करने के। इधर उल्टा सीधा डाटा दिखा रहा है, यही प्रॉब्लम करता है। 9,330 क्या सब डाटा हुआ, डाटा और थोड़ा सा उल्टा सीधा आ जाता है। देखिए क्या दिखा रहा है 14 मई, इधर सब शॉर्ट बिल्डअप दिखा था मैंने, इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा के ना गया रहा है, क्या हो रहा है पता नहीं। नाइन टू थ्री सेवन देखिए इसका क्या दिखा रहा है डाटा उल्टा सीधा।
मिनट आप लोगों को कुछ लेवल्स आप लोगों को दिखा देता हूँ। कान 360 इसका आने दीजिए, मैंने थोड़ा सा इसका देख लेता हूँ। इस साथ देखिए ये 9199920099991 इसका लेवल पे क्लोजिंग दिया है। 9261 इसका लेवल है, आप लोग चार्ट का साथ ऑलमोस्ट मैच कर रहा है, आप लोग देख सकता है। 9294 उसके बाद 9388 इसका ये रेजिस्टेंस होगा और ये सपोर्ट लेवल ऐसे होगा। 9107 के नीचे 9190138919 ऐसे करके इसके सपोर्ट बनेगा, ठीक है। इट इज़ थर्ड साइकिल एंड इट इज़ बेस्ड ऑन द लॉन्ग टर्म, यू शुड कीप इन माइंड दैट इट विल टेक टाइम, इट विल नॉट हैपन इन इट मे नॉट हैपन इन वन डे, इट कुड टेक टाइम, इट कुड टेक टाइम। आई विल शो यू द वन डेज डाटा ऑल्सो, वन डेज लेवल्स ऑल्सो। एनीवे इधर बैंक निफ्टी क्लोजिंग दिया है कुछ 540-489 में शायद क्लोजिंग दिया है, जितना दूर तक मेरा याद है। तो इधर 19,000 मैंने डाटा याद का नहीं है, मैंने डाटा दूसरा फाइल में अपडेट किया हूँ, वो भी आप लोग देख सकते दिखाता हूँ। इधर क्लोजिंग दिया है इसका एक्चुअली बैंक निफ्टी कितने में क्लोजिंग दिया है, बैंक निफ्टी इंडेक्स क्लोजिंग दिया है 1491 में। एनीवे तो इसमें 491 तो इधर इसका अंदर है, उसके बाद 19,339 19,137 18,533 में सपोर्ट है और इधर से ऐसे करके इसका रेजिस्टेंस आ सकता है, तो ये भी आप लोग ध्यान से नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैंने ऑप्शन चेन आप लोगों को दिखाऊंगा, देखते हैं मेरा कुछ नेट में कुछ प्रॉब्लम होता है। इसके बाद मैंने देखिए गान का जो मतलब डेली डाटा बेसिस पे क्या हो सकता है वो भी आप लोगों को दिखा देता हूँ। और डेली डाटा पे जो दिखा रहा है, डेली डाटा पे क्या दिखा रहा है, नेट बहुत ही प्रॉब्लम कर रहा है दोस्तों। और इधर भी ऑप्शन चेन का बहुत ही प्रॉब्लम आ रहा है। इधर देखें 9287 ये 9199 में क्लोजिंग दिया है, 91 ये 9287 का ऊपर इसका वाई लेवल का बन सकता है, ऐसे करके ये फास्ट साइकिल जा सकता है और 9161 के नीचे इसका सेल लेवल बनेगा, ठीक है। और इसको आप लोग फॉलो कर सकता है, इसका फास्ट साइकिल में ऐसा है, इसके बाद सेकेंड साइकिल में इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसा है, ठीक है, अपसाइड डाउन साइड, और थर्ड साइकिल में भी ऐसा है, ठीक है। और इस तरह से कुछ लॉन्ग टर्म ट्रेंड भी आप लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस दिखा रहा हूँ, तो जब आ जाएगा तो आप लोगों को दिमाग में रहेगा कि हाँ इसका नीचे ये इतना तक ये आ सकता है। इधर देखिए, इधर से देखिए पर्टिकुलरली इधर जो ग्रीन एरिया है ये सपोर्ट का रेजिस्टेंस है, और इधर जो रेड एरिया दिखेगा वो नोट करके रख सकता है इस लेवल आ सकता है। ऐसा नहीं है सभी समय टारगेट आएगा, लेकिन उसका ट्रेंड उधर ही जाएगा। इसका ATR 14 का बेस फिबोनाची लेवल गया, इसके बाद ATR 29 फिबोनाची 39 डेज का हिसाब से गन एंगल्स का रेंज है, वन डेज का टू रेंज का हिसाब से ये गन एंगल्स डेली बेस्ट ऑन डेली मतलब ATR 14 का हिसाब से ये टू रेंज है गन डिग्रीज गन एंगल्स। थोड़ा सा कैलकुलेशन अलग होता है, गन का बहुत सारा कैलकुलेशन है, मैंने मेरा गन का जो भी है आप लोग फॉलो कर दीजिए, मतलब वीडियोस देख लीजिए जो भी वीडियोस है, और जो मेरा फिबोना ये वोलेटिलिटी बेस्ड फिबोना स्ट्रेटेजी भी है और वोलेटिलिटी बेस्ड हाई प्रोबेबल लेवल्स भी है, ये सब ये इंडिया भी इसका जो है इसका भी ऐसे टॉप अप और बॉटम आउट होता है, और इसका थोड़ा सा नोट कर लीजिए आप लोग। आप लोग को इसको तो दिखा दिया, और ये भी 7 डेज का हिसाब से 5 डेज 15 डेज का हिसाब से 30 डेज का हिसाब से इधर से आप लोग को ट्रेंड भी दिख जाएगा, ठीक है। एनीवे अच्छा मैंने ऑप्शन चेन को देखते हैं क्या होता है, बहुत ही उल्टा सीधा देख मैंने देख के रखा था, मैंने स्टडी भी करके रखा था, लेकिन ये डाटा कुछ गलत हो गया है, मतलब उल्टा सीधा आ गया है। इधर नेट भी कुछ बहुत प्रॉब्लम कर रहा है।
लगभग 20,000 में उसका सपोर्ट है, और सॉरी 9,500 में निफ्टी का सपोर्ट है, और 9,500 में निफ्टी का सपोर्ट है, और 9,000 उसमें भी शॉर्ट शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, और 9,000 में सॉरी रेजिस्टेंस है उसका, 9,500 में रेजिस्टेंस है, 9,000 में कॉल साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट, 9,500 में, और पुट साइड में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,000 में, दोनों साइड भी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, लेकिन कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप का ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, थोड़ा सा ज़्यादा है, और आईवी कॉल साइड में थोड़ा सा कम है, तो इसीलिए थोड़ा सा अभी थोड़ा सा सही दिखा रहा है। नहीं, लेकिन नेट इतना प्रॉब्लम करेगा तो दिखाऊंगा। हाँ, 14 मई में इसका देखिए 500 में इधर लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, लेकिन मेरा देखिए फिर से गलत उल्टा सीधा दिखा रहा है, 9,330 दिखा रहा है, इसका डाटा सही से नहीं आता है जो दोस्तों, प्रॉब्लम हो रहा है, इसका डाटा कुछ उल्टा सीधा दिखा रहा है। तो मैंने जो स्टडी करके रखा है आप लोग को ब्रीफली बोल देता हूँ, तो बाद में इसका आप लोग भी देख सकते हैं, इसका इसका पीसीआर रेशियो है 9.99 के आसपास, ठीक है, 0.99 के आसपास निफ्टी का, और कॉल साइड में शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, 9,500 में उसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,500 में, और पुट साइड में इसका सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट 9,000 में बिल्डअप हुआ है, ओपन इंटरेस्ट एंड चेंज इन ओपन इंटरेस्ट। तो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड में जो दोनों साइड में शॉर्टिंग हो रहा है, लेकिन कॉल साइड में जो शॉर्टिंग जो उसका चेंज इन ओपन इंटरेस्ट और ओपन इंटरेस्ट थोड़ा सा ज़्यादा है, तो इसीलिए कॉल शॉर्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा होने का प्रोबेबिलिटी है, इसका मतलब डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी ज़्यादा ज़्यादा दिख रहा है, और आईवी कॉल साइड में थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा सा कम है, और उधर आईवी थोड़ा सा ज़्यादा है पुट साइड में, और पीसीआर रेशियो गिरा है, प्राइस गिरा है, और आईवी कॉल साइड में कम हुआ है, तो कॉल साइड और भी प्राइस गिरने का ज़्यादा चांसेस है, और उधर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, आईवी बढ़ा है, और पीसीआर रेशियो कम है, तो उधर भी शॉर्टिंग थोड़ा सा कम ही हो सकता है, तो इस सभी मिलके इसका मतलब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड है, लेकिन अभी भी बियरिस और बुलिस और बियरिस दोनों ही साइडवेज मूवमेंट मतलब एक्टिव है, तो इसीलिए थोड़ा सा साइडवेज दिखा रहा है, लेकिन दिखाएगा, लेकिन डाउन ट्रेंड होने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, और बैंक निफ्टी का 14 मई का जो एक्सपायरी है उसमें बैंक निफ्टी का 14 मई में जो एक्सपायरी है उसका 20,000 में उसका शॉर्ट बिल्डअप है, उसका पीसीआर रेशियो 0.73 ऐसा कुछ है, और 0.73 या 72 हो सकता है, और इधर मतलब ये नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है 75 से 50 तक, इसका 0.75 से 0.50 तक नीचे जाने का ही प्रोबेबिलिटी दिखेगा, और 20,000 में इसका रेजिस्टेंस बना है, और इसमें 19,000 में इसका सपोर्ट बना है, और इधर डाउन ट्रेंड में ही होगा, ये जो और भी फैक्टर मैंने निफ्टी के बारे में बोला वो भी वो बैंक निफ्टी के बारे में भी एप्लीकेबल है, तो बैंक निफ्टी भी थोड़ा सा डाउन ट्रेंड होगा, लेकिन साइडवेज मूवमेंट दिखेगा, और पहले की तरह बड़ा मूवमेंट कुछ नहीं दिखने का चांस कम है, वोलेटिलिटी कम रहेगा, लेकिन साइडवेज मूवमेंट दिखने के मिलेगा, और मैंने जो इम्पोर्टेंट लेवल्स बताया उसी का ऊपर आप लोग को काम करना है इंटरडे में प्रॉफिट करने के लिए, और जो लोग लॉन्ग टर्म में करना चाहता है तो वो लोग लॉन्ग टर्म में जो उनका जो मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस बताया उसमें आप लोग हेजिंग करके ऑप्शन में हेजिंग करके कर सकते हैं, हेजिंग बिना नहीं कीजिए तो ये आप लोग का ऊपर है। एनीवे
और इधर एजिक्स मतलब इसका जो वर्ल्ड मार्केट का मैंने एक बार देख लेता हूँ। वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा ये थोड़ा सा नीचे इधर, लेकिन थोड़ा सा मिक्स्ड व्यू दिखा रहा है मतलब। और जो यूरोपियन अमेरिकन मार्केट है तो इसका थोड़ा सा डो जोन्स थोड़ा सा पॉजिटिव दिखा रहा था, मैंने देख लिया। आप लोगों को मैंने वीडियो बना के पहले इसका थोड़ा सा मैंने स्टडी करके रखा है, इसीलिए मैंने आप लोग को ऑप्शन चेन के डाटा के बारे में भी बोला। एनीवे और जो एक्सटेंट का जो एक्सपायरी है का बैंक निफ्टी का, उसमें भी सेम सपोर्ट रेजिस्टेंस निफ्टी का 9500, 9800 और 10000 में रेजिस्टेंस है। और इधर उधर 9000 इधर भी देखिए पॉजिटिव दिख रहा है, नैसडैक पॉजिटिव दिख रहा है। और इधर वन टेंट का भी 9000 में इसका सपोर्ट, उसके बाद 8500, 8800, 8500 और 7500 में इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट सपोर्ट रहेगा, ठीक है। वो भी जो मैंने स्टडी करके जितना सा देखे हैं वो डाउन ट्रेंड जाने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा दिख रहा है। इधर देखिए सभी में इसका मिक्स सिग्नल दिखा रहा है, ठीक है। इधर एक्सिक्स नेगेटिव है, डॉलर इंडेक्स पॉजिटिव है, इसका नीचे जाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मार्केट थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है। तो इसका मीनिंग ये है कि इसका थोड़ा सा मिक्स व्यू दिखा रहा है। तो आप बुलिश और बियरिश इसमें दोनों ही थोड़ा सा एक्टिव रहेगा। देखिए इधर तो ग्रीन दिखा रहा है, लेकिन इधर हैंगसेंग नेगेटिव है, मतलब एशियन मार्केट में थोड़ा सा गिरावट है, एशियन मार्केट में गिरावट है, लेकिन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यूरोपियन एशियन मार्केट में पॉजिटिव है। लेकिन गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है और यहाँ डॉलर इंडेक्स भी बढ़ गया है। इधर आप लोग सिग्नल इस साइड में भी आप लोग नोट कर सकता है, इधर क्या सिग्नल दिखा रहा है कौन सा, ये भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। और मेरा वीडियो फॉलो करेंगे तो आप लोग को इधर से सभी इंफॉर्मेशन आप लोग को मिल जाएगा इधर से। इधर देखिए क्या स्ट्रांग बाई वन डे का हिसाब से दिखा रहा है, स्ट्रांग बाई स्ट्रांग सेल दिखा रहा है, ठीक है। भी तो अभी वीडियो ही ख़त्म करता हूँ। आप लोग को ऑप्शन चेन को नहीं दिखा पाया, लेकिन डाटा मैंने ये देखिए कैसे एनालिसिस करेंगे, ये देखिए कितना गलत दिखा रहा है इसका। तो इसका डाटा थोड़ा सा पूरा भटक गया है, इसका तो लॉन्ग बिल्डअप दिखा रहा है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। मैंने पहले से मतलब स्टडी करके रखा था, तो इधर थोड़ा सा गलत दिख रहा है। इंडेक्स का भी देख सकते हैं आप लोग, इंडेक्स का भी प्राइस गलत दिख रहा है, ठीक है। तो लेकिन मैंने स्टडी करके रखा था, इसलिए आप लोगों को बोल सकता हूँ कि ऐसा ऐसा हुआ है, ठीक है। देखिए इधर गलत आ रहा है। एनीवे कुछ प्रॉब्लम होता है ऐसा, इसमें डाटा अपडेट करने से थोड़ा टाइम लगता है, कुछ प्रॉब्लम होता है। एनीवे तो वीडियो यही ख़त्म करता हूँ। आज आप लोग को अच्छा लगेगा लाइक कीजिए और जरूर सब्सक्राइब करके रखिए, ये आप लोग को बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। मैंने रात में बाई सेल लेवल दिखाऊंगा, वो आप लोग नेक्स्ट डे मॉर्निंग में भी आप लोग देख सकता है। उसमें भी सब्सक्राइब मतलब पूरा चैनल पे सब्सक्राइब करके रखेंगे तो उसका आप लोग का एक दिन का ट्रेड, उसमें बहुत सारा लेवल्स आप लोग को मिलने वाला है। जो लोग नहीं देखा है एक दिन आप लोग देख लीजिए, उसके बाद आप लोग को देखेंगे तो रोज आप लोग को फ़ायदा ही होने वाला है।